जनपद संभल के भेजोए कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संजीव रंजन, पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने होली एवं शबे बारात पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाए जाने के लिए विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्म गुरुओं एवं प्रमुख लोगों के संग बैठक आहूत की गई। जिलाधिकारी ने उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों से कहा कि दोनों त्योहारों में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाया जाए ताकि जनपद में गंगा जमुनी संस्कृति बरकरार रहे। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने उपस्थित उप मजिस्ट्रेटों को निर्देशित करते हुए कहा कि आप सभी उप मजिस्ट्रेट कल से ही अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर वहाँ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें ताकि यदि कहीं विवाद की स्थिति हो तो उसे आपस में लोगों को बैठाकर निस्तारण कर दिया जाए। और कहा कि क्षेत्र में कम से कम 10 संभ्रांत व्यक्तियों के नाम व मोबाइल अपने अपने पास रखें तथा उनसे समन्वय स्थापित करते रहें। और यह भी जानकारी देते हुए बताया कि होली एवं शबे बारात के दृष्टिगत शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति पर निगरानी रखने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में उप मजिस्ट्रेटों तथा पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि शरारती तत्वों अथवा अनाधिकृत रूप से त्यौहार में खलल डालने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। होली जुलूस में निर्धारित मानक पर ही निकाला जाएगा और होलिका दहन पूर्व निर्धारित स्थान पर ही किया जाएगा। इस अवसर पर सभी उप जिलाधिकारी, सभी क्षेत्राधिकारी, सभी थाना प्रभारी, संबंधित अधिकारी एवं हिंदू व मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं एवं सम्राट व्यक्ति उपस्थित रहे। उपस्थित गणमान्य लोगों के द्वारा अपने सुझाव दिए गए जिसका संज्ञान लेते हुए निस्तारण का आश्वासन दिया गया। सर, होली का पर्व है, अभी शांति समिति की मीटिंग आपने ली है, तो सर कोई क्या संदेश देंगे संभल की जनता के लिए? जो हमारे यहाँ दोनों पर्व मनाए जा रहे हैं, होली और सवेरा, दोनों के पर्व के अवसर पर सभी को इसका बधाई और शुभकामनाएँ दे रहे हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी संभल की जनता जो है इसको अच्छे से मनाएगी, उल्लासपूर्वक मनाएगी और सेफ ढंग से होली मनाएंगे। सर, अधिकारियों को क्या निर्देश दिए हैं तैयारियों के लिए? पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उस दिन जो पेयजल की व्यवस्था है प्रॉपर रहे, साफ सफाई की व्यवस्था में कोई कमी न रहे, और साथ में जो जुलूस निकाले जाते हैं संभल में, उसके लिए कहा गया है कि जो हमारे बिजली की तार अगर कहीं पे किसी सूरत में लटक के इत्यादि रहे तो उसको ठीक करा लिया जाए।